नमस्ते। भारतीय नववर्ष की पहली प्रार्थना सभा में आप सभी का स्वागत है। आज से ही भारतीय विक्रमी संवत 2078 आरंभ हो रहा है। संवत्सर के आरंभ होते ही चैत्र माह के नवरात्र भी आरंभ हो रहे हैं। इसके साथ ही वैशाख माह भी आरंभ हो रहा है, जिसके उपलक्ष में वैसाखी भी मनाया जाता है तथा रमजान का पवित्र माह भी आरंभ होने वाला है। एवं हमारे संविधान के प्रणेता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती भी है। तो सर्वप्रथम मैं विद्यालय की उपराचार्य श्रीमती पल्लवी भरद्वाज जी से निवेदन करूंगा कि वे इन सभी पर्वों की शुभकामनाएं दें। नमस्ते मैम। नमस्ते आदरणीय प्रधानाचार्य जी, विवेकानंद परिवार के सारे सदस्य, छात्र, अभिभावक, आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। सर्वप्रथम आपको सनातन वैदिक नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आज से अर्थात चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से सनातन वैदिक नव वर्ष का आगमन होता है एवं नवरात्र आरंभ होते हैं, जिसमें 9 दिनों तक प्राकृतिक रूप से माँ दुर्गा के भिन्न भिन्न रूपों की उपासना की जाती है। हमारी ईश्वर से प्रार्थना है कि आप सभी के लिए भारतीय नववर्ष मंगलमय हो। इसके अतिरिक्त आज से ही उत्तर भारत, विशेष रूप से पंजाब में मनाए जाने वाला पर्व वैसाखी भी आज ही मनाया जाता है। आज के दिन किसान अपनी फसलों को सफलतापूर्वक अपने घर में लाने के उपलक्ष में वैसाखी का त्यौहार मनाते हैं। इसी दिन गुरु गोविंद सिंह जी द्वारा सिख पंथ की स्थापना भी की गई थी। आप सभी को वैसाखी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसके साथ ही पवित्र रमजान माह भी आरंभ हो चुका है। रमजान के महीने में हर मुसलमान के लिए दुआओं का और खुशियों का पर्व होता है। रमजान के पश्चात ईद मनाई जाती है। आप सभी को रमजान माह की शुभकामनाएं। कल अर्थात 14 अप्रैल के दिन हमारे देश के संविधान के प्रणेता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती है। उनके जीवन से हमें बहुत ही प्रेरणा मिलती है। उन्होंने बहुत ही कठिन परिस्थितियों में अपना जीवन व्यतीत किया एवं अपने लक्ष्य को प्राप्त किया। उनके जीवन से हमें हर प्रेरणा लेनी चाहिए। जीवन के कितनी भी मुश्किल आए, कितनी भी विपत्तियां आए, मगर हमें उससे घबराना नहीं चाहिए, अपितु हमें डटकर उसका मुकाबला करना चाहिए। अतः डॉक्टर अंबेडकर जयंती की भी आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अंत में एक बार फिर आप सभी को नवरात्र, बैसाखी, रमजान एवं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के जन्मदिन की शुभकामनाएं। धन्यवाद। धन्यवाद मैम, इन सभी त्योहारों की शुभकामनाएं देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी यही आशा है कि हमारा नव वर्ष सभी के लिए मंगलमय हो। अब आज के पंचांग पर दृष्टिपात कर लेते हैं। आज से विक्रमी संवत 2078 आरंभ हो रहा है। इसके साथ ही हमारा राष्ट्रीय शक संवत 1943 भी आज से आरंभ हो रहा है। आज चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि है। आज का नक्षत्र अश्विनी, आज का योग विष्कुंभक है। प्रविष्टि की यदि बात करें तो आज सौर चैत्र माह के 31 प्रविष्टि घटित हो रहे हैं। मुस्लिम माह शावान की आज 30वीं तारीख है। अब समय है आज की प्रातःकालीन प्रार्थना का। मंगलवार के दिन हम गायत्री मंत्र सहित हनुमान चालीसा, ध्येय वाक्य एवं राष्ट्रगान का उच्चारण करते हैं। तो आप सभी से निवेदन है कि अपना सिर ढक लें। ऑल क्लासेस Be ready for Gayatri Mantra. Om.
प्रचोदया। ऑल क्लासेस बी रेडी फॉर प्रेयर। चरण सरोज रज निज मनु मुकुरु सुधारि बरनउ रघुवर विमल जसु जो दायक फल चारि बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर राम दूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी कंचन बरन बिराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित केसा हाथ वज्र और ध्वजा विराजे कांधे मूंज जनेऊ साजे शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया सूक्ष्म रूप धरि सिंह ही दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा भीम रूप धरि असुर सहारे राम चंद्र के काज सवारे लाए संजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर हर शिउर लाए रघुपति की नी बहुत बढ़ाई तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई सहस बंदन तुम रोज अस गावे अस कहीं श्रीपति कंठ लगावे सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित अहिसा जम कुबेर दिकपाल जहां ते कभी कोविद कहि सके कहां ते तुम उपकार सुग्रीव ही कीना राम मिलाय राजपद दीना तुम रो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना जुग सहस्र जो जन पर भानु लीलय ताहि मधुर फल जानू प्रभु मुद्रिका मिली मुख माही जल दिलांग गए अचरज नाही दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुम रे देते राम दुआरे तुम रखवारे होत न आज्ञा बिनु पैसारे सब सुख लहे तुम्हारी शरणा तुम रक्षक काहू को डरना आपन तेज संहारो आपे तीनों लोक हाँकते कापे भूत पिसाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे नासे रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत वीरा संकट ते हनुमान छुड़ावे मन क्रम वचन ध्यान जो लावे सब पर राम तपस्वी राजा तिनके काज सकल तुम साजा और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे चारो जुग पर ताप तुम्हारा है पर सिद्ध जगत उजियारा साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता असवर दीन जान की माता राम रसायन तुमरे पासा सदा रहो रघुपति के दासा तुमरे भजन राम को पावे जन्म जन्म के दुख विसरावे अंत काल रघुवर पुर जाई जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई और देवता चित्त न धरई हनुमत से सर्व सुख करई संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुमिरे हनुमत बलवीरा जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरु देव किनाई जो
सत बार पाठ कर कोई छूट ही बंदी महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होए सिद्धि साखी गौरी सा। तुलसीदास सदा हरि चेरा कीजे नाथ हृदय महडेरा। पवन तनय संकट हरन मंगल मूरति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुर भूप। अस्तो मा सद्गमया तं सो मा ज्योतिर्गमया मृत्योर्मा अमृतं गमया। ॐ शांति शांति शांति। बी रेडी फॉर नेशनल एंथम। नायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जल तरंग तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे गागे तब जय माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। प्रातःकालीन प्रार्थना के बाद अब समय है वैसाखी और अंबेडकर जयंती के विषय में अधिक जानकारी प्राप्त करने का। इसके लिए हमारे साथ हैं कक्षा 12वीं की छात्रा चेतना। नमस्ते चेतना। नमस्ते। आदरणीय प्राचार्य जी, उप प्राचार्य जी, अध्यापकगण एवं मेरे प्रिय मित्रों, मैं चेतना नीलगिरी सदन की ओर से आज दो त्योहारों के विषय पर अपने विचार प्रस्तुत करने जा रही हूँ। आज हम दो विशिष्ट पर्व को मनाने के लिए एकत्र हुए हैं। सर्वप्रथम आप सभी को बैसाखी व अम्बेडकर जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। बैसाखी का पर्व किसानों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इस दिन फसलों की कटाई का आरंभ होता है। वे इस पर्व को बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। अपनी पक्की सुनहरी फसलों को देखकर उनका मन आनंद से झूम उठता है। आइए अब हम अंबेडकर जयंती के बारे में जानेंगे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल को हुआ था, इसलिए इस दिन को अंबेडकर जयंती के रूप में मनाया जाता है। ये दिवस सभी भारतीयों के लिए एक शुभ दिन माना जाता है। उन्होंने सक्रिय रूप से दलित के साथ साथ हमारे समाज के अधिकारहीन वर्ग के लिए भी कार्य किए और उनके अधिकारों के लिए लड़े। वे एक राजनीतिक नेता, कानूनविद, मानव विज्ञानी, शिक्षक, अर्थशास्त्री थे। चूंकि इस दिन का भारतीय इतिहास में बहुत बड़ा महत्व है, इसलिए इसे भारतीयों द्वारा अंबेडकर जी को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए देश भर में धूमधाम से मनाया जाता है। जब वे 5 साल के थे तो उन्होंने अपनी मां को खो दिया था। अपनी शिक्षा पूरी करने के लिए वे मुंबई चले गए। वहां से उन्होंने अपनी बैचलर ऑफ आर्ट्स की शिक्षा पूरी की और फिर अपनी आगे की पढ़ाई के लिए वे अमेरिका चले गए। उसके बाद उन्होंने कोलंबिया विश्वविद्यालय में दाखिला लिया और इंग्लैंड से अपनी मास्टर्स ऑफ पीएचडी की डिग्री प्राप्त की और वर्ष 1923 में भारत लौट आए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सामाजिक कार्य और लोगों के उत्थान के प्रति उनके इस योगदान के लिए उन्हें भारत में बहुत सम्मान के साथ याद किया जाता है। वास्तव में 14 अप्रैल अंबेडकर जयंती को न केवल हमारे देश बल्कि दुनिया के अन्य हिस्सों में भी वार्षिक त्यौहार के रूप में मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष इस दिन पूरे भारत में सार्वजनिक अवकाश होता है। उन्होंने भारतीय संविधान को तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
इसलिए उन्हें भारतीय संविधान का रचयिता भी कहा जाता है। उस समय भारतीय संविधान में सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा आरक्षण प्रणाली थी, जिसका मुख्य उद्देश्य समाज के कमजोर वर्ग और उनकी जीवन शैली में सुधार के साथ साथ उन्हें आगे उत्थान की ओर ले जाना था। उनके जन्मदिवस पर विशेष व्यक्तियों जैसे कि राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री के साथ साथ प्रमुख राजनीतिक दलों द्वारा भी उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की जाती है। उनके सम्मान में इस दिन पूरे देश भर में, खास तौर से दलित वर्गों द्वारा इस दिन पूरे हर्ष और उल्लास से मनाया जाता है। इसके साथ ही हमारे देश में उनकी मूर्तियों पर माल्या अर्पण की जाती है। तो चलिए हम सभी इसी महत्वपूर्ण दिवस को उत्साह के साथ मनाते हैं और देश भर में किए गए कार्यों को याद करते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद चेतना। अब समय है जन्मदिवस वाले छात्रों को जन्मदिवस की शुभकामनाएं देने का। आज पांचवी अ के छात्र आदित्य गोयल एवं छात्रा दिलिशा, दसवीं अ की छात्रा नवलीन कौर का जन्मदिवस है। तो आइए मिलकर जन्मदिवस के अवसर पर गाए जाने वाला गीत गाकर इन्हें जन्मदिवस की शुभकामनाएं देते हैं। सागर में एक लहर उठी तेरे नाम की, तुम्हें मुबारक खुशियां सालों साल की। सागर में एक लहर उठी तेरे नाम की, तुम्हें मुबारक खुशियां सालों साल की। तुमको है जीवन में बढ़ते ही जाना, तुमको है जीवन में बढ़ते ही जाना। तुम हो सुंदर बूंद उसके नाम की, तुम हो सुंदर बूंद उसके नाम की। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। आप सभी का जन्मदिवस की शुभकामनाएं देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम देख पा रहे हैं हमारे विद्यालय के प्रधानाचार्य, उप प्रधानाचार्य, अध्यापक, अभिभावक एवं छात्र भी जन्मदिवस वाले छात्रों को जन्मदिवस की एवं नव वर्ष की शुभकामनाएं दे रहे हैं। तो हमारी ईश्वर से यही प्रार्थना है कि इन्हें दीर्घायु प्रदान करें तथा ये सदैव स्वस्थ एवं प्रसन्न रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की प्रातःकालीन प्रार्थना सभा यहीं समाप्त होती है। नमस्ते।